नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा जो आ रही है आपकी 19 जून को है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। यानी कि जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था तो उन्होंने जो भूमि थी उसके द्वारा किस तरह से रेवेन्यू कलेक्ट किया, कौन कौन सी व्यवस्थाएं लागू की, जैसे आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, आपने सब नाम सुने होंगे, और इन पर टैक्स की दरें क्या थी, इन सबको हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या प्रोसीजर रहा होगा, कौन कौन इसकी खोजकर्ता थे, या फिर किस किसने इनकी खोज की थी, महलवाड़ी की, रैयतवाड़ी या स्थायी बंदोबस्त की, इन सबको हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम आज इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वो तीन हैं, कौन कौन सी, एक तो स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट जो सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट यानी कि स्थायी बंदोबस्त के बारे में। स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ जान लेते हैं कि इसे 1790 में शुरू किया था, यानी 1790 में इसे शुरू किया गया था। इसकी जो वैलिडिटी थी वो 10 वर्ष थी, यानी 10 वर्ष तक किसी एक व्यक्ति को यहाँ का जमींदार बना दिया गया किसी भी जमीन का, और उसके बाद फिर इसकी दोबारा बोली लगती थी, फिर दोबारा जमींदार चुने जाते थे। लेकिन 1793 में, 1793 ईस्वी में इस व्यवस्था को स्थायी बना दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, कॉर्नवालिस द्वारा इसे स्थायी यानी कि परमानेंट कर दिया गया। इसी वजह से इसे बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। और इसके अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई, यानी एक जो रेट थे यानी एक धनराशि थी उस पर उन्हें जमीन दे दी गई। और यह भी फिक्स किया गया कि यदि कोई जमीन है, जमीन का मालिक है यहाँ पर, अगर इस मालिक की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो उत्तराधिकारी होगा वही भूमि का मालिक बन जाएगा। यानी कि ये एक तरह से जिसकी जमीन होगी उसके पूर्वजों के द्वारा उनके बच्चों को भी जमीन दी जाने लगी। जमींदारों को यह निश्चित राशि एक निश्चित समय को सूर्यास्त से पहले चुका देनी पड़ती थी। अर्थात क्या था कि जो आपका लैंड रेवेन्यू था इसे जमींदारों द्वारा एक निश्चित तिथि पर, यानी कोई एक डेट फिक्स कर दी गई अंग्रेजों द्वारा कि इस डेट पर आपको ये रेवेन्यू देना है, और उस रेवेन्यू को उस डेट के सूर्यास्त होने से पहले उसे चुकाना था। अगर नहीं चुकाते थे तो वो जमीन नीलाम कर दिया जाती थी अन्य व्यक्ति को। तो इसी वजह से इस कानून को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था। तो यह है स्थायी बंदोबस्त के बारे में थोड़ा सा कुछ डिटेल। अब स्थायी बंदोबस्त के अगर हम मैप पर देखेंगे कि कहाँ पर स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू थी, तो आप यहाँ पर जैसे ही आप ग्रीन रीजन देख पा रहे हैं ना, बंगाल वाला रीजन, बंगाल के अंतर्गत पहले कौन कौन से, बंगाल आती थी बंगाल प्रेसिडेंसी, और इसके अंतर्गत उड़ीसा भी थी, और उड़ीसा के अंतर्गत बिहार भी था। यहाँ पर ये तीन जगह मिलकर बंगाल प्रेसिडेंसी बनाती थी। तो यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले लागू किया गया, और इसका जो प्रारंभ वर्ष था ये 1793 था, 1793 ईस्वी। और ये क्षेत्र मैंने आपको बता दिया बंगाल वाला क्षेत्र था। इसके जो खोजकर्ता थे वो आपके कार्नवालिस थे, इसे आप याद रख लीजिए। और इसके बाद ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेपर में कि कितने प्रतिशत भारत के भाग पर, यानी ब्रिटिश भारत के भाग पर जो स्थायी बंदोबस्त लागू था। तो ये टोटल 19% क्षेत्रफल पर स्थायी बंदोबस्त लागू था। ओके, और ये राज्य मैंने आपको बता दिया, बंगाल हो गया, उड़ीसा हो गया, बिहार हो गया, उत्तरी कर्नाटक वाले कुछ रीजन हो गए। और कुल आय देखिए, इसमें जो टैक्स की दर थी यानी रेट थी, अगर 11 रुपए की खेती हो रही है तो 10 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता था, और आप 1 रुपया अपने पास रख सकते थे। तो इस तरह से अगर आप समझे तो 10/11 जो थी इसकी टैक्स की दर थी। ओके, ये आपको समझ में आया होगा परमानेंट सेटलमेंट। अब बात करें रैयत वाड़ी व्यवस्था की, तो रैयत वाड़ी व्यवस्था आप जैसा मैप पर देख पा रहे हैं, ये जो आप वॉयलेट कलर से देख जितना भी शेडेड रीजन दे रहे हैं यहाँ पर, ये रैयत वाड़ी व्यवस्था लागू थी। और इसके बारे में जब हम थोड़ा जाने, इसके जन्मदाता जो थे वो कौन थे, थॉमस मनरो और अलेक्जेंडर। आपसे पूछ सकता है कि जो रैयत वाड़ी व्यवस्था है इसकी शुरुआत किसने की, तो आप सभी याद रखेंगे थॉमस मनरो एंड अलेक्जेंडर। अब इसे सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया। आपको ये भी याद रखना है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो तमिलनाडु के बारामहल डिस्ट्रिक्ट में। और ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू की गई थी, जो 51% पर, ठीक है, भारत के, ब्रिटिश भारत के 51% क्षेत्रफल पर इस व्यवस्था को लागू किया गया था। इसमें रैयत का मतलब होता है किसान, तो इसमें भूमि का मालिक जो था ना वो किसान ही होता था। तो ये हो गई आपकी 51% पर। और इसकी जो टैक्स रेट थी वो 33 से 55%, यानी 33% से आपकी 55% तक यहाँ पर टैक्स की रेट थी, दर थी। तो आप इसे याद रख सकते हैं। किसानों की स्थिति इसमें बदतर होती चलेगी, क्योंकि जब इस पर टैक्स की दरें लागू की गई, अब कोई सीजन ऐसा आया यहाँ पर फसल अच्छी नहीं हुई, लेकिन आपको टैक्स तो सरकार को देना ही था, तो इस वजह से जो
किसान थे वो टैक्स को पे करने के लिए जितने भी जमींदार वगैरह होते थे, महाल होते थे, महाजन होते थे, उनसे कर्ज ले लेते थे और उस कर्ज को ही आप टैक्स के रूप में दे देते थे और इसी वजह से उनकी स्थिति और भी बदतर होती चली गई किसानों की। ठीक है, अब बात आती है रैयत वाली व्यवस्था के बारे में, कुछ बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक कंपनी और किसानों के बीच सीधा समझौता था, बिचौलियों की इसमें कोई भी भूमिका नहीं थी। ठीक है, कैप्टन रीड और थॉमस मुंडो ने प्रत्येक पंजीकृत किसान को, यानी कि जिसके नाम पर, जिस व्यक्ति के नाम पर जो जमीन थी उसे ही भूमि का मालिक बना दिया गया और वह सीधे राजस्व, जो भी आपका टैक्स होगा, वो कंपनी को देगा और उसे उसकी भूमि के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। वंचित केवल एक ही कंडीशन पर किया जा सकता था, उसकी भूमि से, अगर वो टैक्स को पे नहीं करता है। तो ये होगी आपकी रैयत वाड़ी व्यवस्था। अब आती है बात महलवाड़ी व्यवस्था की। तो महलवाड़ी व्यवस्था, जैसा आप यहाँ पर रीजन देख पा रहे हैं, ये महलवाड़ी व्यवस्था है और महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में थोड़ा बहुत जाने। तो इसके अंतर्गत देखिए, एक गांव को इन्होंने महल माना और उस गांव के मुखिया को इन्होंने पूरी जमीन दे दी और उस गांव के मुखिया से कहा कि आप ही टैक्स को कलेक्ट करेंगे। पूरे गांव की जमीन एक मुखिया को दे दी और आप यहां पर इसका टैक्स कलेक्ट करके आप किसको, कंपनी को देंगे। इसका जो कर था, सबसे पहले देखिए कितना, कितने टोटल कर था, 95% कर टैक्स। आप समझिए कितना ज्यादा हो गए। ओके, अब इससे क्या होता, क्या था, जो महाल थे ये जमीनों के मालिक जो थे, ये महाल किसानों का शोषण करते थे, इनसे अत्यधिक काम लेते थे। इस वजह से यहाँ पर भी किसानों की स्थिति बदतर होती चली गई थी और इस टैक्स को वसूलने के लिए अत्यधिक कठोरता अपनाई गई। अब इसमें क्या देख रहे हैं आप, मार्टिन बर्ड ने भूमि कर को कुल 66% कर दिया, यानी पहले जो 95% था तो वो उसको अब 66% कर दिया गया मार्टिन बर्ड के द्वारा। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए की गई। इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी ने, आप सभी जानते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने इसे 50% इसे कम कर दिया, नहीं 50% तक कर दिया। जैसे पहले 95% तक थी इसकी टैक्स रेट, इसे बाद में लॉर्ड डलहौजी ने 50% टैक्स रेट कर दिया। ठीक, और जिसने राज्य हड़प की नीति चलाई थी डलहौजी को, आप सभी जानते होंगे राज्य हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो यही डलहौजी है, इन्होंने 50% तक इस टैक्स की रेट को कर दिया। अब बात आती है जो आपकी भारत का ये मैप देख रहे हैं, इंडिया का, इस इंडियन मैप पर कहाँ कहाँ पर कौन सी व्यवस्था लागू थी। आप जैसे देख पा रहे हैं ये परमानेंट सेटलमेंट ग्रीन कलर से, और आप अगर नेक्स्ट कलर से देखें तो ये हो गया आपका महलवाड़ी। इसके बाद आप वॉयलेट कलर से देख रहे हैं, ये हो गया आपका रैयतवाड़ी। ये टोटल इस तरह से भारत के कुल क्षेत्रफल पर ये व्यवस्थाएं लागू की गई थी। आप यहाँ पर मैप के द्वारा इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज की एक छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हो सके तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और हमें लगातार सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।